इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के मंत्र को देश के रक्षा उत्पादकों ने बेहद गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि भारत जैसे रक्षा उत्पादों के प्रमुख आयातक देश ने स्वदेशी रक्षा उत्पाद तैयार करने शुरू कर दिए हैं। और यही नहीं, भारत लगातार दूसरे देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। रक्षा मंत्री ने चंद दिनों पहले यानी 1 अप्रैल को ट्वीट करके बताया था कि भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये प्रतिवर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस बारे में चर्चा के साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ अभय कृष्णा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूरे इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने विचारों को आपसे शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच सर। भारत अब रक्षा उत्पादों का निर्माण करने में सफल रहा है, जबकि पहले भारत की छवि रक्षा उत्पादों के आयातक देश की थी। पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भारत रक्षा सामग्री के निर्माण में तेजी से प्रगति करने लगा? क्योंकि HAL, BEL, DRDO, MIL, BDS जैसे संस्थान तो वही हैं जो पहले थे, सिस्टम भी वही है, फिर बदलाव क्या आया, कृपया विस्तार से बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि पिछले लगभग 10 दशक में भारत घरेलू स्तर पर अधिक समृद्ध हुआ है और इस प्रकार ग्लोबल स्तर पर अधिक कॉन्फिडेंट हो गया है। हमने विकसित भारत और विश्वगुरु बनने की अपनी यात्रा पहले ही शुरू कर दी है। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको DPSU कहते हैं और लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों की व्यापक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना प्रदान की है। इसके परिणाम स्वरूप हथियारों, गोला बारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, आप जितने भी नाम ले लीजिए, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स, एम्यूनिशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पृथ्वी पर चलने वाले उपकरण, स्पेशल अलॉयज, स्पेशल पर्पज स्टील्स जैसे विविध प्रकार की उत्पादनों का विकास हुआ है। 2014 एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ईयर है, क्योंकि 2014 के बाद से प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की अनुमति देने के लिए लाइसेंसिंग और निवेश प्रोसेस को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। आज कई इंजीनियरिंग प्रमुखों ने विविधता ला दी है और रक्षा क्षेत्र में शामिल हो गए। रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए निजी कंपनियों को अब तक, जहां तक मेरे पास खबर है, 600 से अधिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। बिल्कुल। अब रक्षा उद्योग को 11,000 से अधिक, ये रिकॉर्ड में आप चेक कर सकते हैं, 11,000 से अधिक MSME की मजबूत आधार के समर्थन प्राप्त हुआ है, जो रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को ताकत और वाइब्रेंसी प्रदान करता है। मोटे तौर पर अब प्रयास युवा भारतीय दिमागों, जो बोलते हैं ना यंग इंडियन माइंड्स, और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में अभियान का समर्थन करने वाली नीतियों का फुल निर्माण करना है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लॉन्च के बाद स्टार्टअप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप एग्री कर रहे हैं मेरे से? मुझे ध्यान आया कि अभी चंद दिनों पहले ही इंडिया ने एक ड्रोन बनाया है जिसको अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन के टक्कर का ड्रोन बताया जा रहा है, और ये बिल्कुल बेंगलुरु में एक बिल्कुल नई कंपनी ने खड़ा किया है, बिल्कुल यंग लड़कों की टीम ने। इससे पता चलता है कि भारत में रक्षा उत्पादन का जो माहौल है कितना बदल गया है, क्योंकि बिल्कुल नई कंपनियां इस मामले में आगे आ रही हैं। तो वही तो मैं आपको बता रहा था कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस ने स्टार्टअप्स को रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़ने के लिए एक मंच ऑलरेडी प्रदान किया है। कई स्टार्टअप MSME इंडिविजुअल इनोवेटर्स को शामिल किया गया है और भारी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो गए। सामूहिक रूप से हम आयात पर निर्भरता कम कर रहे हैं और घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमने मेरा सवाल यह था
कि वर्क कल्चर में क्या बदलाव आया है कि हमने अचानक इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। अचीवमेंट तो हासिल हो गई, लेकिन बदलाव क्या आया 10 सालों में, मानसिकता में बदलाव क्या आया, वर्क कल्चर में क्या बदलाव आया? क्योंकि हमने प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है, जो अतीत की तुलना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले नहीं होता था ये। 2024 तक मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाकर विशेष जोर दिया गया है। पता ही होगा आपको डिफेंस कॉरिडोर दोनों जगह बना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन भी सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों में से एक रहा है। सो इसने सभी भारतीय रक्षा निर्माताओं के बीच एक इक्वल और लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया है। इस प्रकार क्या हुआ है, कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी और हाई क्वालिटी वाले उत्पादन के निर्माण को बढ़ावा दिया गया है। सरकार ने निश्चित रूप से निर्माता कोई भी हो क्वालिटी और टाइमलाइन पर जवाबदेही तय करना शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि इसीलिए यह सक्सेस हुआ है। अब जैसे DRDO, और DRDO ने स्वदेशी तकनीक और तकनीकी सहायता प्रदान करा के भारतीय रक्षा उद्योग के आधार की सराहना की है। DRDO के परीक्षण सुविधाएं इंडस्ट्रीज को भरपूर समर्थन करी जा रही है। साथ ही इस संबंध में रक्षा मंत्रालय भारतीय यूजर्स के साथ साथ निर्यात के लिए उत्पादन समय सीमा को पूरा करने के लिए परीक्षण प्रमाण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारतीय इंडस्ट्रीज को और अधिक सुविधा प्रदान कराने के लिए परीक्षण जिसको बोलते हैं के लिए एक नोडल एजेंसी बना रहा है। और इससे क्या होगा, खरीद प्रक्रियाओं का को छोटा कर दिया गया है। हालांकि एक बात और मैं कहना चाहूंगा अभी कि ये सब पर्याप्त नहीं है। अभी भी भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जो पूरे फ्यूचर के डिफेंस प्रोडक्ट्स को उत्पादन कर सके। अब जैसे L&T हुआ, टाटा, महिंद्रा आदि जैसे प्रमुख निजी जो खिलाड़ी हैं, तो इन खिलाड़ियों की प्रतिनिधि एक दूसरे के आवश्यकताओं के बेहतर समझ सुनिश्चित कराने के लिए, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे NDC और APA जैसे जो हमारे ये प्रतिष्ठित फोर्सेस हैं उसमें शामिल हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने परियोजनाओं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार और PSUs में विभिन्न नियुक्तियां में सवरत जो रिटायर्ड लोग हैं, कर्मियों, अनुभवी लोगों की नियुक्ति के लिए रास्ता खोलना भी सुनिश्चित किया है। तो ये सब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है और उसी के वजह से इतने बड़े चेंजेस आने लगे हैं। सर, हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट में बात कर रहे थे जो कि इस साल 21,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया और पिछले साल ये 16,000 करोड़ था, 5,000 करोड़ का मतलब इजाफा हुआ है, इस बार की वृद्धि हुई है। और सरकार ने नेक्स्ट ईयर से 35,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। क्या ये टारगेट मतलब अचीवेबल है, ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? और देश को $5 trillion की इकोनॉमी बनाने में डिफेंस एक्सपोर्ट एक कितनी बड़ी भूमिका आप देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब तो जरूर आपको दूंगा अभी, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा इसके साथ आप, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इसके बारे में सोच विचार किया है। भारत बहुत सारे इंपोर्ट्स पर निर्भर हमेशा रहा है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि हमारा इम्पोर्ट बिल हमेशा निर्यात से अधिक रहा है। सो हमारे जो अभी वाली जो गवर्नमेंट है, करेंट गवर्नमेंट की दूरदर्शिता ने अशांत और असुरक्षित ग्लोबल ऑर्डर को भांप लिया है, जिसका असर आयात लागत दैट इज इंपोर्ट कॉस्ट इसको बोलते हैं और कमी शॉर्टेजेस पर भी पड़ेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कोविड का। कोविड काल के दौरान हमारे देश को काउंटर COVID-19 प्रोडक्ट्स और बुनियादी ढांचों की कमी की मामले में समस्याओं का काफ़ी देखना पड़ा था। ये डिफिकल्ट समस्या के दौरान हमने स्वदेशी इनोवेशंस और प्रोडक्ट की आवश्यकता का बहुत महसूस हुआ था हमें उस समय। व्यवहारिक रूप से हमें अपनी ज़रूरतों का उत्पादन का स्थानीय स्तर पर उत्पादन कराने के लिए अपने प्रोड्यूसर्स को
बढ़ाने की जरूरत है और अंततः अधिदेश का निर्यात करके ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभाने के लिए देश को इसे अगले ऊंचे स्तर पर ले जाना होगा। अब ये मैं आपको अभी असली पॉइंट पर आता हूं। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक सक्सेस उदाहरण है कोविड वैक्सीन और पीपी किट के निर्माण की सफलता की कहानी है, जिसमें आपको याद होगा कि मार्च 2020 से पहले शून्य उत्पादन, जीरो उत्पादन होता था, उससे लेकर प्रतिदिन 2 लाख से अधिक पीपी किट का उत्पादन कराने के लिए वर्तमान क्षमता की तेजी से वृद्धि देखी गई थी। आपको याद होगा ये हमने न केवल निर्माण किया बल्कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के रूप में दुनिया को प्रदान भी किया, जिससे कई देश हमेशा के लिए हमारे आभारी रहेंगे। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर भारत के बाद कई गुना बढ़ गया है भारत का कद। हम एक ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में अब देखे जाते हैं। नाउ अभी जो आपने सवाल किया मैं उस पर आराम करूंगी। बिल्कुल, आत्मनिर्भर एक तरह से मेक इन इंडिया का रीइन्फोर्समेंट है। भारत सरकार के 2020 के आत्मनिर्भर अभियान पैकेज ने मेक इन इंडिया, सुना होगा आपने, 2.0 और 3.0 को किक स्टार्ट कराने की सही अवसर प्रदान किया था। अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के दौरान निकट अवधि की कार्यशील पूंजी और संबंधी चिंताओं को दूर करने के अलावा पैकेज ने कोविड के बाद भारत के फ्यूचर विकास के लिए एक मजबूत इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने और पुनर्जीवित करने की साहसिक इरादा रखा पूरी दुनिया के सामने। प्रोत्साहन पैकेज का उद्देश्य दो फोल्ड होता है। सबसे पहले यह उन तत्काल फाइनेंसिंग और लिक्विडिटी समस्याओं का समाधान करता है जिनका उद्योगों को लॉकडाउन के कारण सामना करना पड़ा था। उस समय थोड़ी सिचुएशन खराब हो गई थी और काफी लोगों को लॉसेस हुए थे। दूसरा, पैकेज में सरकारी सुरक्षा नेट में उल्लेखनीय वृद्धि के अलावा ऐसे सुधारणों का प्रावधान जो लंबे अवधि में भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग मूवमेंट को गति दे सके। सो एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन की लंबे समय से मांग को स्वीकार करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बता रहा हूँ, 200 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को रिजेक्ट करना और स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों का वर्गीकरण घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को पुनर्जीवित करने के लिए वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार भारतीय उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सही मंच स्थापित हो गया है। नाउ यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी अब मेक इन इंडिया हथियारों का प्रोडक्शन पे जोर दे रहा है। और अगले एक बात मेरे दिमाग में आती है कि मेक इन इंडिया तो ठीक है, लेकिन हम उसकी क्वालिटी वो वर्ल्ड लेवल की रख पा रहे हैं क्या? मेक इन इंडिया तो अच्छी बात है, क्योंकि डिफेंस का मैं उसी पर आ रहा हूं। हां, उसी पर आ रहा हूं कि अगले 5 ईयर्स में आयात पर बैन लगाने की लक्ष्य है रक्षा मंत्रालय, और हो सकता है ये हो भी जाएगा जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट और डीआरडीओ द्वारा जारी 108 आइटम्स की लिस्ट ने भारतीय इनोवेशंस को बढ़ावा देने, भारतीय कंपनीज के लिए और अधिक पुरस्कार बढ़ाने और उनके कॉम्पिटिटिव की मार्क का प्रयास किया है। अभी आपको एक और चीज मैं बताता हूँ, भारतीय रक्षा उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित तो हो गया है। ऑनलाइन प्रोसीजर जो पहले होते थे, जो प्रोसीजर है, और पोर्टलों की शुरुआत के माध्यम से निर्यात ऑथराइजेशन प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन किया गया है। ये सब नहीं था पहले। सॉवरेन गवर्नमेंट्स को दी जा रही डिफेंस लाइंस ऑफ क्रेडिट उन देशों में खरीदारों को आकर्षित क्रेडिट शर्तों पर भारत से सामान और सेवाओं का आयात करने में सक्षम बना रही है। अभी जो आपने शुरू में जो सवाल किया था और कुछ कोट किए थे ये फिगर्स, तो बीते वर्ष 2023-24 मतलब बीते वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए, लगभग 2.63 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि है। जब ये आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपए पहले होता था, तो हालिये आंकड़ा बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 से की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा की निर्यात 31 गुना बढ़ गई है। तो ऐसे ही थोड़ी बढ़ा है, जब ये क्वालिटी है तभी तो बढ़ा है, तभी तो लोगों को विश्वास हुआ है।
इसके अलावा 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए $5 बिलियन की निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए $25 बिलियन का कारोबार हासिल करने के लिए हम एकदम गतिशील, मजबूत और कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री विकसित कर रहे हैं। बहुत गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ शस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एरोस्पेस और नौसेना जहाज, आपने सुना होगा, निर्माण उद्योग को भी शामिल करना है। तो सामूहिक रूप से हम इंपोर्ट पर निर्भरता कम कर रहे हैं और न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि दूसरे डोमेन में भी घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब ये सब जब हो रहा है, तो जब स्टैंडर्ड अच्छा है तभी तो हो रहा है ना, तभी तो देश हमारे से ले रही है सामान। निस्संदेह मैं कई डिफेंस कंपनियों के सीईओ से मिला, उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने यही बताया था कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो वर्ल्ड लेवल के हैं और उनसे काफी सस्ते हैं, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है हमारी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट लेस है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लेबर अवेलेबल है, जमीन अवेलेबल है, सी पोर्ट्स अवेलेबल है, तो इसलिए खर्चा कुछ तो कम हो ही जाता है। सर, वैसे ग्लोबल लेवल पर देखें तो दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं जगह जगह। इसराइल ईरान में मतलब तनाव चल रहा है, हमास यूक्रेन, तो ये जो चारों तरफ युद्ध के जो बादल हैं, दुनिया के देश उलझे हुए आपस में, हालांकि इसको क्या भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसके लिए एक अवसर के रूप में, एक मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने सोचा है इसके बारे में भी, मैं अभी हाल में 2-3 आर्टिकल भी लिखे हैं मैंने। मैं यहाँ कहकर शुरुआत करना चाहता हूँ कि राइजिंग इंडिया एक सर्वसम्मत निर्माता है जो वेस्ट के साथ, जो मैं बोल रहा हूँ मार्क माई वर्ड्स, जो वेस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है लेकिन साउथ को लीड कर रहा है। तो इसने मतलब हमने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया है और संघर्षों को अपने हितों के लिए अवसर के रूप में हम नहीं देखते हैं। हम संकट को कम करने के प्रयास में भी बाहरी भूमिका, आउटसाइड रोल नहीं बल्कि एक जिम्मेदार संतुलित भूमिका, रिस्पॉन्सिबल बैलेंस रोल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, निभाने में विश्वास करते हैं। ये हमारा ग्लोबल स्टेटस है और इसीलिए भारत को लोग अभी बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट के साथ अभी देखने लगे हैं। अब ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा अभी हुआ है, वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादन के लिए आवाज उठाना, क्योंकि एक मशहूर ब्रांड भी कभी जो वर्ल्ड का है वो भी कभी स्थानीय ही था ना, तो उसी तरह से हमारा भी जो स्थानीय है वो भी अभी वर्ल्ड का हो रहा है ब्रांड। तो उद्योग को उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां भारत रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, सिमुलेशन और क्या बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्रदर्शन मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, टेक्निकल एंड यूजर ट्रायल से पिछड़ा रहा है। हम पिछड़े हुए थे पहले, ये विदेशी देशों से, इसीलिए हम विदेशी देशों से आयात पर निर्भर थे, बट ये सारा कुछ अभी सुधर रहा है। उद्योग को उन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सिस्टम का निर्माण करना होगा अभी हमारे उद्योगों को, और ह्यूमन कैपिटल, पूंजी जिसमें काफी है हमारे पास, उसका पोषण करना होगा ताकि आयात केंद्रित से आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर राष्ट्र में परिवर्तन हो सके। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह उद्योग अर्थव्यवस्था को बहुत सारे लाभ प्रदान करते हैं, अर्थात रोजगार, देन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, पूर्वी अर्थव्यवस्था में समय आय वितरण, सेवा क्षेत्र भारतीय, देन सकल घरेलू उत्पादन में 60% योगदान देता है, जबकि कृषि घरेलू उत्पादन में लगभग 14% योगदान देता है। ये हमारा फिगर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। व्यापार युद्ध अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, व्यापार युद्ध जो अभी चल रहा है अमेरिका के बीच में और बड़े बड़े नेशन जैसे अमेरिका, ईरान तनाव जैसे वर्तमान भू आर्थिक जियो इकोनॉमिक चुनौतियां भी
भारत के मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, परिवहन, उत्पादन योजना और रखरखाव में अंतरकाल के कारण चाइनीज जैसे देशों की तुलना में भारत में लेबर प्रोडक्टिविटी अब कुछ कम हो गई है। अभी इसको फिर हम कैसे करें? अभी तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो लाभ उठाने के लिए भारत को अगले दशक में प्रति माह लगभग 10 लाख नौकरियां पैदा करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारतीय युवा आबादी को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करना होगा। क्षमता है और इस तरह आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम बनाया जा सकता है, जो आने वाले समय में, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, जो मेरी स्टडी है, ये आने वाले समय में जरूर होगा ये। और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चैलेंजेस के साथ साथ उनसे निपटने के जो समाधान भी हैं वो हैं, जैसे उत्पादन की मांग को पूर्व अनुमान लगाना, पहले से एंटिसिपेट करना, इन्वेंट्री की निर्यात करना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में एफिशिएंसी सुधार लाना, आरओआई में वृद्धि, स्किल्ड लेबर की जो कमी है उसको मैंने बताया है किस तरीके से उसको पूरा करना, बिक्री के प्रावधान में नई तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी प्रगति से निपटना। अब जहां तक इनोवेशन का सवाल है, इनोवेशन को बढ़ावा देना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा की रक्षा करना और देश में सर्वोत्तम श्रेणी के मैन्युफैक्चरिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करना है। और इसी रास्ते पर हम चल पड़े हैं बहुत अच्छे से। इस प्रकार जो भी देश युद्ध में शामिल होगा उनके मिलिट्री युद्ध जो उनके भंडार है, जैसे गोला बारूद हो गया, विस्फोटक आदि की मांग बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है। इसलिए संपूर्ण मिलिट्री सिस्टम के अलावा वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए रक्षा निर्माताओं की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की जरूरत है। ये मेरा नहीं सही कहा आपने। तो हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन की बात की तो पिछले दिनों हमने देखा कि दुनिया के कई देशों ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रुचि दिखाई है, जिसमें अमेरिका का जी जनरल, फ्रांस का सफरान है, रूस के सुखोई ब्रह्मोस की टेक्निक है। ये सारी टेक्निक भारत में हैं आज के समय में। और लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 10 सालों में विदेशी कंपनियों ने हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट किया, जो कि पहले नहीं कर पाता था? ऐसा क्या बदलाव आया है? क्या भरोसा बढ़ा है या फिर क्या वजह क्या है? भरोसा तो खैर बढ़ी रहा है, इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। और जिस तरह से ये 2014 के बाद जो चेंजेस आए हैं वो अभी दिख रहा है और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो विकास की जो संभावना है ना, स्थिर मांग और सरकारी समर्थन के कारण विदेशी निवेशक भारतीय रक्षा उद्योग में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। रक्षा शेयर फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान, अपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट की बैकिंग और स्थिर मांग के कारण प्रदान करते हैं। इसके अलावा विदेशी सप्लायर्स के लिए विशाल बाजार लो कॉस्ट पर प्रदान करता है, लो कॉस्ट है यहाँ पर बनाने में। तो हाल के संघर्षों के कारण, अब ये जो संघर्ष अभी चल रहे हैं, हाल के संघर्षों के कारण स्थानीय उत्पादन और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की आवश्यकता के कारण रक्षा क्षेत्र भी निवेशकों के लिए एक आकर्षक हो गया है, जो बढ़ते कंपटीशन और बढ़ते महाशक्ति की राइवलरी के कारण और ज्यादा बढ़ाने के लिए बाध्य हो गए हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो जो चला ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसराइल हमास वॉर चल रहा है और अब ईरान को भी शामिल करने की कोशिश हो रही है उसमें लपेटने की, म्यांमार में क्या हालत हो रही है आपको पता ही है, उधर से पूरा सप्लाई जो रुका है। और जहां तक मेरा ख्याल है, अगला प्रतिष्ठित शायद ताइवान और साउथ चाइना सी भी हो सकता है। ये बढ़ता ही जाएगा और शायद इसमें ताइवान और साउथ चाइना सी भी, वो भी एरिया भी शामिल हो जाएगा। तो जब ये सब हो रहा है तो डिफेंस सेक्टर की सभी बिग इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज के जो वर्ल्ड लीडर हैं, तो उनको सभी के साथ साथ वेस्टर्न गवर्नमेंट्स भी इस क्षेत्र में एक बाजार के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता का फायदा उठाने के लिए उत्सुक है।
क्योंकि तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में चूंकि प्रोडक्शन सस्ता है इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रुचि जोर दे रहे हैं वो लोग कि भारत में प्रोडक्शन करवा के वो उसको महंगे में बेच सके, जी इंजन या सुखोई 30 या बाकी सारी ब्रह्मोस मिसाइलें जैसे ये सारी चीजें हैं जो ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं की कमी नहीं है, सुविधा ही सुविधा है। और मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान होता है और चीप होता है, लेबर चीप है, टेक्निकल लेबर है हमारे पास काफी, नॉन टेक्निकल तो भरे हुए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि हाल के वर्षों में सामरिक रूप से अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की जो प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड ने विदेशी खिलाड़ियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब्स स्थापित करने के लिए एक विश्वास दिया है। भारत पर्याप्त जगह निर्यात के लिए, सी पोर्ट्स मैंने बताया, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैन पावर बताया। अभी जैसे हमारे यहाँ दो स्टेट्स हैं, ये मौका ले रहा हूँ मैं यहाँ पर मेंशन करने के लिए, जैसे बिहार और बंगाल जैसे स्टेट्स, ये स्टेट्स एक अच्छा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहाँ पर बन सकता है। अब वो खैर उनके जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर है, बट जहां तक मुझे इन दोनों स्टेट्स का नॉलेज है ये एक डिफेंस हब्स बनाने के लिए बहुत अच्छा स्टेट है ये दोनों। अभी DAP 2020 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो मुझे यकीन है कि हमारी सरकार आने वाले समय में इस महान पहल को और अधिक कहते हैं ना लचीलेपन और फोकस के साथ आगे बढ़ाएगी, निजी क्षेत्रों की और अधिक भागीदारी होगी। प्रोत्साहित करने के लिए हमको जरूरी है कि इनको हम एनकरेज करें और प्रत्येक स्टेक होल्डर की भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में क्लैरिटी प्रदान करते हुए शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी इंडक्शन पर परीक्षय योजनाओं के निर्माण के साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स के बीच बातचीत को बढ़ावा देना और बहुत जरूरी है। और जहां तक ये टेक्नोलॉजी को शामिल करने का सवाल है और नई एक्विजिशन प्रक्रियाओं को औपचारिक बनाने के लिए सेवाएं और भारत सरकार के बेहतर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करना जरूरी है। अब जैसे आपने सुना होगा G2G, B2B, B2G आदि तंत्र के माध्यम से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्राप्त कराने पर विचार करें और R&D बजट को बढ़ाकर और डिफेंस टेक्नोलॉजी के प्रति समग्र नीति दृष्टियों और को और बढ़ाकर स्वदेशीकरण पर प्रायोरिटी बेस्ड ध्यान दें। तो वैश्विक साझेदारी को प्रोत्साहित करने और भविष्य की डिफेंस टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक उत्साह दृढ़ संकल्प और फोकस बोलते हैं ना के साथ कई और चीजें करने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। और ये माहौल अभी चल पड़ा है और आगे बहुत कुछ होगा। आपने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात की है तो हम लोग ब्रह्मोस की बात करेंगे। जब ब्रह्मोस को सूर्य मिसाइल जो हमारी है उसमें कई देशों ने रुचि दिखाई है। हाल ही में खबर आई कि फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस की पहली खेप भेज भी दी थी, लेकिन ब्रह्मोस का एक NG वर्जन, नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी आया है जिसमें सब ने रुचि दिखाई है। लेकिन ब्रह्मोस के अलावा ऐसे कौन कौन से डिफेंस प्रोडक्ट हैं हमारे पास जिसपे दुनिया के देशों की रुचि बढ़ी है और दुनिया भर में भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो पॉपुलैरिटी का कारण क्या है? बहुत सही बोला है आपने, बहुत सही बोला है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको क्या बताऊं शुरुआत में, एक आपने सुना होगा कि विज्ञान शक्ति का स्रोत है, नॉलेज। बिल्कुल, विज्ञान हमेशा शक्ति का स्रोत होता है। तो इस दर्शन से प्रेरित, हाँ, नॉलेज द पावर। तो इस दर्शन से प्रेरित होकर भारत ने 1958 में ही DRDO का एस्टैब्लिश किया था, DRDO को, और पिछले 60 साल से भी अधिक वर्षों में DRDO ने भारतीय सेना के लिए तकनीकी विकास प्रतिष्ठान से लेकर ताकत के साथ आज के प्रमुख रक्षा वैज्ञानिक संस्थाओं तक विस्तार किया है और वैज्ञानिकों और तकनीकी सहायता कर्मचारियों के लगभग 35,000 कार्यबल कई देशों ने DRDO द्वारा विकसित उत्पादन में गहरी रुचि दिखाई है। अभी आपने पूछा क्या है, वो हाई डिमांड वाली कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे पिनाका हथियार हो गया, WAR हो गया, आकाश वेपन सिस्टम हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ ये आकाश वेपन सिस्टम 7 देशों ने रुचि दिखाई है, फिर LCA तेजस आदि सारे इसमें शामिल हैं। तो इसलिए
अगर थोड़ा सा आप डीआरडीओ के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर विकास के साथ साथ डीआरडीओ की मुख्य ताकत की जो एसेट्स है वो क्या है, वो है डिजाइन, विकास और सीमित श्रृंखला जिसको बोलते हैं लिमिट सीरीज प्रोडक्शन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है, स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल सिस्टम्स है, युद्ध की प्रभावा जो शीलता को अनुकूलित करना, बुनियादी ढांचे परीक्षण और मूल्यांकन सुविधाओं का विकास करना, मशीन के पीछे जो मनुष्य का समर्थन कराने के लिए जीवन विज्ञान में अनुसंधान। तो मैं तो डीआरडीओ को लेकर के बहुत ही प्राउड हूँ और डीआरडीओ पूरे देश में पहले। लेकिन आपने डीआरडीओ की इतनी तारीफ की है लेकिन डीआरडीओ के खाते में कई सारे फेल्योर्स भी रहे हैं, जैसे कावेरी इंजन हो गया, डीआरडीओ गन नहीं बना पाई अभी तक, टैंक हमारे बहुत लेट हुए, ये सब भी डीआरडीओ के खाते में ही है। डीआरडीओ के जो काम में तेजी दिखाई दे रही है वो अभी हाल के 2-3 वर्षों में दिखाई दे रही है, इससे पहले डीआरडीओ का काम बहुत ढीला हुआ करता था, आपको नहीं लगता है ऐसा? तो इसलिए तो मैं आपको बोला कि 2014 जो टाइम था वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ईयर था, क्योंकि वहाँ उस साल से कई सारे रास्ते खुले, विंडोज खुले और एक जबरदस्त इनिशिएटिव हुआ है उसके बाद, और रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत अच्छी पहल की है, कई चीजें ऑर्गेनाइज हो गए हैं और इसीलिए आज डीआरडीओ आज रक्षा का व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है। अभी अभी अगर आप डीआरडीओ को देखिए तो एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल्स, हर जगह वो अब पहुंचने लगे हैं। तो ये सब तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ही होता है ना, टॉर्पीडो पानी के अंदर का सेंसर, अभी अभी सब एक्सपेरिमेंट हुआ था, ईडब्ल्यू सिस्टम है, एनबीसी डिफेंस, उसके बाद ड्रोन और काउंटर ड्रोन, तो कौन कर रहा है ये सब हमारे सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया 2014 के बाद, जो पुश करना शुरू किया, तो डीआरडीओ जैसी जो संस्था जो कई सालों से यहाँ से चल रही थी, थोड़ा उसमें भी एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जागरूकता आई, क्योंकि क्षमता तो थी, उनमें क्षमता तो बहुत थी लेकिन थोड़ा सा एक गाइडेंस, ऑर्गेनाइजेशन, मॉनिटरिंग, ये सब की जरूरत होती है, वो सारे सिस्टम अब आ गए यहाँ पर और उसी की वजह से ये सब अभी शुरू हुआ है, जो रिसर्च स्टार्ट हुआ है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का जो पार्टिसिपेशन है, ये सब स्टार्ट हुआ है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लाइट कॉम्बैट 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट शामिल किया गया है, ये सब कहाँ से हुआ है, और लगभग 83 LCA अभी तेजस का उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी गई है, LCA का नौसेना संस्करण भी ट्रायल किया गया है, उसका ट्रायल हो चुका है, जो भारत के विमान वाहक पर सुनिश्चित होगा। तो हमने UAVs और एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिजाइन और डेवलप किया है, जो भारतीय रक्षा सेवाओं में शामिल किया जा चुका है। तो टैलेंट और कैपेबिलिटी तो था लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हुई है, उसकी तारीफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब यही सब 10 साल में हुआ है जिसकी वजह से आज हम खाना जीत गए। बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि भारत बड़े हथियार तो जैसे मिसाइलें बनाई, भारत ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया, लेकिन छोटे हथियारों के निर्माण और डेवलपमेंट में भारत का ध्यान बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाल ही में डीआरडीओ ने एक उग्रम राइफल बनाई थी, इसका मतलब, लेकिन राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर जैसी जो चीज़ें जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं आता हमारे नीति नियंताओं का? मैं क्योंकि इस पर ये सवाल मेरा आपके लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए कि जो लड़ाई का हमारा डोमेन है ना, अब वो बहुत चेंज हो रहा है। अब लड़ाई का डोमेन जो सोल्जर ऑन फुट जो बोलते हैं ना, फुट ऑन ग्राउंड, अब वो सब चेंज हो रहा है। अब ये लड़ाई का डोमेन बहुत डिफरेंट डोमेन्स में भी जाने लगा है, अभी स्पेस में जाने लगा है, अभी उसमें मतलब ओशन में जाने लगा है, हमारे बॉर्डर के बहुत बाहर जाने लगा है। तो इसीलिए अभी उन सब में हमारी उतनी क्षमता अभी तक थी नहीं, जिसमें हम इन सब डोमेन में घुसना भी शुरू कर दिया है। राइफल, पिस्टल और सोल्जर्स ऑन द फुट तो है ही हमारे पास, तो ये राइफल और पिस्टल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जब आप चाहेंगे तो बन जाएगा। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी जो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट के जो डोमेन्स हैं, जिसके लिए हमको अभी तैयारी करनी है, हमारा ज़्यादा फोकस अभी उसी पर हो गया है। क्योंकि हाल में मैंने भी खबर सुनी कि जर्मनी से मतलब छोटे हथियार आयात किए जाएंगे और मसाडा पिस्टल बनेगी इज़राइल वाली, और अमेरिका से क्लैशनिकोव की टेक्नोलॉजी अमेठी में लगने वाली है, क्लैशनिकोव की फैक्ट्री,
तो हम लोग अपने छोटे हथियार बना पाएंगे, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। नहीं, हम अपना छोटा हथियार तो बना ही रहे हैं, रक्षा के साथ हमारा काफी अच्छा इंटरेक्शन है। इंसास राइफल थी हमारे पास, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं है। नहीं तो वो का डेवलपमेंट होगा उसमें, लेकिन अभी जो क्या है, अभी हमारा पूरा फोकस चल रहा है बहुत बड़े बड़े टारगेट्स पर, बड़े बड़ी ऑब्जेक्टिव पर। छोटा हथियार लेने और बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डीआरडीओ का दृष्टिकोण बहुत प्रैग्मेटिक है, और वह लागत को डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को साझा कराने विदेशी देशों के साथ फ्रेंडशिप, सह विकास और सह उत्पादन का समर्थन करता है। और हमको बड़े बड़े डोमेन में, हमको बड़े बड़े डोमेन में अभी घुसना है। पिछले दिनों डीआरडीओ के चेयरमैन साहब हमारे उदय इंडिया के एडिटर ने उनसे इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए डीआरडीओ जो काम करता है 80% बातें तो मैं आपको बता ही नहीं सकता डीआरडीओ क्या कर रहा है और क्या तैयार किया है उसमें। जो 20% चीजें जो आपके पब्लिक डोमेन में आपके सामने होती हैं, उसमें उसी बात कर सकते हैं सर। बिल्कुल कुछ ये सब चीज को लीक आउट करना कोई जरूरी नहीं है जब तक ग्राउंड पे सामान आ नहीं जाता है। जब एक बार ग्राउंड पर जब आ जाएगा सामान, अभी जैसे साइबर सुरक्षा हो गया, अंतरिक्ष सुरक्षा हो गया, देन आप जो उच्च ऊर्जा सिस्टम, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और अर्बन वॉरफेयर से निपटाने के क्षेत्रों में जो काम आती है टेक्नोलॉजी, अब ये सब फील्ड में हमको हम घुस चुके हैं और हम बहुत आगे अभी बढ़ रहे हैं। तो हमारा फोकस अभी बहुत बड़ी बड़ी टारगेट्स पर, बड़ी ऑब्जेक्टिव्स पर है। तो इसलिए एकदम सही बोला उन्होंने कि पहले से ही डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। शायद आपका इशारा भारत के काली और दुर्गा से हथियारों पर है। है मतलब हथियार तो हर डोमेन में काम आएगा, हर डोमेन के हथियार हमको चाहिए, उसके तो कोई शक ही नहीं है। सर मैं आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना चाहता जो हमको अभी पिक एंड चूज नहीं करना है। नहीं अभी हमको पिक एंड चूज नहीं करना है, अभी हमको अपनी प्रायोरिटी से चलना है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने बहुत सारी बहुमूल्य जानकारियां दी उदय इंडिया के दर्शकों को, और एक बहुत ही साफ क्रिस्टल क्लियर विजन हुआ, बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई कि सरकार की पॉलिसी क्या है, आने वाले वक्त में कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और किन किन प्रोडक्ट्स में दुनिया की रुचि है और कैसे किन किन चरणों में भारत आगे बढ़ने वाला है। आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया, हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन उम्मीद थी, मुझे होप था कि हम कहीं ना कहीं अपनी जितनी ताकत है हमारे पास यहाँ पर नेचुरल ताकत, उसको एक साझा करके हम एक बहुत बड़ा कदम लेंगे जो पिछले 10 साल में लिया गया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।